मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? सो बेटा जी, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा जी रिफ्लेक्स एक्शन को खत्म किया था। हमने रिफ्लेक्स आर क्या होते हैं उसके बारे में जाना था। अब अपना जो अगला टॉपिक है बेटा जी, उसका नाम है यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दैट इज अब हम पढ़ना शुरू करेंगे ब्रेन के बारे में। तो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, बिकॉज हमें यहाँ पूरे ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखना है एक बार यहाँ पे। उसके पार्ट्स पर हम अगले लेक्चर में बातें करेंगे। तो अच्छे से देखिएगा चीजें, अब क्या बात शुरू करने वाले। सबसे पहले बातें करने वाले हैं आपके साथ बेटा जी यहाँ पे रिगार्डिंग द ब्रेन। तो कोई पूछे आपसे ब्रेन क्या होता है, कोई आपसे पूछे ब्रेन क्या होता है, तब क्या कहोगे, क्या है ब्रेन? सबसे पहला पॉइंट बेटा जी इसको लेके यहाँ पे, इट इज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। अब इस वर्ड का क्या मतलब बेटा जी? आप ये कहते जो भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती है उनको बेटा जी रेगुलेट करना, तो पूरे बॉडी को कंट्रोलिंग अगर कोई यूनिट है तो वो कौन है बेटा जी? यहाँ पे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है बेटा जी? ब्रेन। तो मैं कहूंगी हमारे बॉडी के बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस में होता है और ये एंट्री मोस्ट पार्ट में होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है वहां पे कौन बैठा होता है? ब्रेन बैठा होता है। तो मैं कहूंगा इसके लोकेशन के बारे में, प्रेजेंट एट एंट्रियर पार्ट ऑफ बॉडी। अगर इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट लाइक ए वॉलनट, और बड़ा ये ऐसे होता है रिंकल के फॉर्म में होता है। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे ब्रेन इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन एंड हैव रिंकल शेप। उसकी शेप कैसी बेटा जी? यहां पे रिंकल्ड होते हैं, उसमें ऐसे आपको दिखाई देंगे कि रिंकल बने हुए होंगे यहां पे आपके। अब पॉइंट आता है कि सर अगर हमारा ये जो ब्रेन है बड़ा सॉफ्ट और डेलिकेट होता है तो ये प्रोटेक्टेड किस में होता है, किस में इंक्लोज होता है? तो मैं कहूंगा बेटा जी हमारा ये जो पूरा पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं बेटा स्कल। इसको हम क्या बोलते हैं? स्कल। चलो मैं आपको दिखाता हूं, ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्कल। इस स्कल के बेटा जी दो पार्ट होते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है हम बोलते हैं ये है फेशियल पार्ट, और ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्रेनियम। तो मैं कहूंगा बेटा जी अगर कोई पूछे ये कहां पर है तो कहोगे ये स्कल का एक पार्ट है बेटा जी। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं बेटा जी यहाँ पे आपका, पहला तो होता है क्रेनियम और दूसरा होता है बेटा जी यहाँ पे फेशियल। तो मैं अगर ब्रेन के बारे में आपसे बातें करूं तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे ब्रेन इज प्रोटेक्टेड by cranial bone and it is present within cranial cavity or cranium box। देखिएगा मैं क्या बात बोल रहा हूं। आपने कहा सर हम सबसे पहला पार्ट पढ़ने वाले सीएनएस का, उस पार्ट का नाम है यहाँ पे ब्रेन। ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है बेटा जी। यहाँ पे ब्रेन जो होता है इसके अगर आप शेप को देखोगे रिंकल की फॉर्म में होता है, इसमें रिंकल्स बने हुए होते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे, लाइक वॉलनट की शेप का होता है बेटा जी यहाँ पे। अब पॉइंट आता है सर अगर इतना सॉफ्ट और इतना डेलिकेट अगर पार्ट है तो फिर इसको प्रोटेक्ट कैसे क्या होगा? तो मैं कहूंगा बेटा जी प्रेजेंट होता है हमारे इसे स्कल वाले पार्ट में, यानी कि इस हिस्से को बोलते हैं स्कल। इसमें हम टोटल बातें करते हैं बेटा जी, ये फेशियल बोन्स आ गई और ये हमारी होती है क्रेनियल बोन। तो मैंने ये दिखाया आपको कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल और ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बेटा जी फेशियल। तो मैंने कहा बेटा जी ब्रेन जो होता है इट इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियल बोन। ये किसके द्वारा प्रोटेक्टेड बेटा जी? यहां पे क्रेनियल बोन्स के द्वारा प्रोटेक्टेड। तो मैं कहूंगा बेटा क्रेनियल बोन ने इस पूरे क्रेनियम ने अपने अंदर एक केविटी बना रखी, जिस केविटी में पूरा ब्रेन आपका सिचुएटेड है। तो मैंने ये कहा बेटा जी इट इज प्रेजेंट विद इन द क्रेनियल केविटी, यानी कि बोन्स ने अंदर की साइड में जो केविटी बना रखी है उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? यहाँ पे क्रेनियल केविटी। तो मैं कहूंगा बेटा जी इट इज प्रेजेंट विद इन द क्रेनियल केविटी और क्रेनियम बॉक्स। कि भाई देखो ये पूरा जो खोपड़ी है उसके जो क्रेनियम बन गए उसके अंदर क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा जी इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो मतलब इन क्रेनियम बोन्स का काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इससे।
तो ये होता है ब्रेन के बारे में। बट एक और पॉइंट आता है सर, ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है, तो क्या ये सीधा बोन्स के टच में है, क्या सीधा इसे बोन्स प्रोटेक्ट करेगी? तो मैं कहूंगा नहीं बेटा जी, बोन्स और ब्रेन के बीच में भी डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है, बोन और ब्रेन के बीच में भी डिफरेंट टाइप की बोन्स होती है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसकी हम बातें शुरू करते हैं। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट की बातें थी बेटा जी, अब हम इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं बेटा, इसकी लोकेशन को और इसको बेटा जी अच्छे समझते हैं कि कैसी ये सब चीजें होती है। सबसे पहले मैं कहूंगा बेटा जी, ऐसे भार होती है इसके यहाँ बोन्स, मैं इसे डबल लेयर में बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बोन्स है, ये बैठी है बेटा जी यहां पे क्रेनियम बोन। तो मैं कहूंगा अब ये जो केविटी बन गई क्रेनियम बोन के अंदर, वो क्या बन गया बेटा जी यहां पे क्रेनियल केविटी, क्या बन गया बच्चा क्रेनियल केविटी, जहां पे ब्रेन के आपका सिचुएटेड, बट ब्रेन सीधा यहां सिचुएटेड नहीं है, ब्रेन के और इसके बीच में डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन्स होती है। तो मैंने एक वर्ड बोला बेटा जी यहां पे ब्रेन इज सराउंडेड बाय थ्री डिफरेंट मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंग्स। तो ये पेपर में आपको क्वेश्चन दिखा देगा मेनिंग्स क्या है, तो मैं कहूंगा बेटा जी जो ब्रेन के बाहर सराउंडिंग में जो डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स है बेटा जी, उनको हम क्या बोलते हैं मेनिंग्स। तो पूछे आपसे मेनिंग्स का नंबर कितना होता है, तो मैं कहूंगा बेटा मेनिंग्स का नंबर होता है थ्री। तो मैं कहूंगा थ्री मेम्ब्रेन से ब्रेन कवर्ड होता है बेटा जी। अभी इसके वर्ड को समझिएगा, अगर यहां पे हमारा ब्रेन ये हमारा ब्रेन है और ये हमारे क्रेनियल बोन, तो मैं कहूंगा इनके बीच में यहां पे होती है डिफरेंट टाइप की थ्री मेम्ब्रेन्स, और वो जो थ्री डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स यहां क्रेनियल बोन और इसके बीच में सिचुएटेड है बेटा जी, उन मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं मेनिंग्स। मैं आपको बता दूं बेटा जी मेनिंग इज ए प्लूरल वर्ड, तो इसका सिंगुलर क्या होता है, हम कहेंगे बेटा जी सिंगुलर वर्ड होता है इसका यहां पे मेनिंग्स। तो अगर बाय चांस आपकी बुक में लिखा हो मेनिंग्स क्या है, तो आप समझ जाना इट इज द मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन, और मैं कहूंगा द मेम्ब्रेन दैट इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के सराउंडिंग में बेटा जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम क्या है मेनिंग्स। ये सिंगुलर वर्ड है, ये उसका प्लूरल वर्ड है, ठीक वर्ड है बेटा जी। अब कई बार क्या होता है हमारे इन्फेक्शन हो जाते हैं ब्रेन की मेम्ब्रेन में, तो अगर आपसे कहा जाए इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन infection within meninges is known as meningitis, ये होते हैं बेटा इन्फेक्शन का नाम। तो मैंने आपको तीन बातें यहां बता रहा हूं, उन बातों को दोबारा सुनेगा शांति भाव से क्या क्या बातें मैंने। सबसे पहला पार्ट मैंने ये कहा बेटा जी ब्रेन को बाहर से प्रोटेक्ट किया जाता है बेटा जी क्रेनियम बोन्स के द्वारा, इस क्रेनियम बोन ने अपने अंदर एक केविटी को इनक्लोज कर रखा है, उस केविटी का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे क्रेनियल केविटी। क्या नाम होता है बेटा जी यहाँ पे क्रेनियल केविटी, उस क्रेनियल केविटी के अंदर दसावा होता है ब्रेन, और ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट पार्ट है। अब एक पॉइंट आता है, ब्रेन और बोन सीधी आपस में कॉन्टेक्ट में नहीं है बेटा जी, इस ब्रेन के बाहर एक्चुअली तीन डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स होती है, उन तीन डिफरेंट मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे मेनिंग्स। ये मेनिंग्स बेटा जी एक प्लूरल वर्ड है, उसका सिंगुलर जो वर्ड है बेटा जी उसका नाम क्या है यहाँ पे मेनिंग्स। हुई है बातें, अगला मैंने वर्ड बोला बेटा जी यहाँ पे अगर भाई जी किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हो जाए इन्फ्लामेशन हो जाए विद इन द मेनिंग्स, तो हम कहेंगे उस कंडीशन का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे मेनिंगाइटिस। यहां तक के वर्ड क्लियर है। अब आपको ये भी समझना है ये सर मेनिंग्स कौन कौन सी होती है, उनके क्या नाम होते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, अब हम उसकी बातें शुरू करेंगे। टॉपिक शुरू करें अपना यहाँ पे, चलिए देखिएगा बेटा, मैं आपको अलग अलग थोड़ा कलर यूज कर रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो देखिएगा बेटा, क्रेनियम बोन के जस्ट नीचे यानी कि हम ब्रेन के सबसे आउटमोस्ट रीजन की बात करें, तो मैं कहूंगा ये सबसे पहली मेम्ब्रेन जो होती है इसका नाम होता है बेटा जी ड्यूरा मेटर।
जो मेनिंग्स में सबसे बाहर होती है, द आउटरमोस्ट मेनिंग, दोबारा वर्ड को सुनना, मेनिंग आर द थ्री प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन, मेनिंग्स आर द थ्री प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन, लिख लिया डेफिनेशन। अब उसके बाद मैंने बोला बेटा तो उसकी लेबलिंग कीजिए, सबसे पहले नंबर वन पे आती है ड्यूरा मैटर, तो उसके बारे में मैंने कहा बेटा जी इट इज द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग, पहला पॉइंट, सबसे बाहर अगर कोई है तो कौन है, यहाँ पे ड्यूरा मैटर, मैंने पहला पॉइंट लिखा है बेटा जी यहाँ पे इसके बारे में आउटरमोस्ट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे मैंने पॉइंट बोले बेटा जी इट इज थिक एंड टफ, ये कैसी बेटा जी, थिक है एंड टफ है एंड मेड अप ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, आप ये कह सकते हो इसमें कोलेजन फाइबर होते जस्ट टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसके अंदर क्या होते बेटा जी यहां पे कोलेजन फाइबर होते जस्ट टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैं एक वर्ड बोलूंगा बेटा जी यहां पे ड्यूरा वर्ड का मतलब ही होता है हार्ड, ड्यूरा वर्ड का मतलब ही क्या है बेटा जी यहां पे हार्ड, तो मैं कहूंगा इट इज ए हार्ड टफ थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटरमोस्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के सबसे बाहर अगर कुछ प्रेजेंट है तो कौन है बेटा जी ड्यूरा मैटर, ठीक है, इसका काम क्या है अंदर के ब्रेन को बेटा जी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, उसे प्रोटेक्ट करके रखना, यहां तक की बात सही है, चल गई है। अब अगला वर्ड आता है सर, इसके नीचे आती है दूसरी मेम्ब्रेन, ये है बेटा जी सेकेंड लेयर और इसका नाम होता है आर्कनोइड मैटर, या इसे बोलते हैं आर्कनोइड मेम्ब्रेन, हम इसे बोलते हैं आर्कनोइड मेम्ब्रेन, आर्कनोइड मैटर, इसका ऐसा नाम क्यों रखा, तो हम ही कहते हैं आर्कनोइड बेटा जी एक आपके यहाँ पे ग्रुप का नाम है जो कि बेटा स्पाइडर वाले ग्रुप में आता है, अब स्पाइडर जैसे वेब बनाते हैं ना जाला बना के रखता है, वैसे मैं कहूंगा ये भी हायरली क्रॉस लिंकिंग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है बेटा जी, तो मैं कहूंगा बेटा जी इट इज ए हायरली इंटरलिंक नेटवर्क ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे मेनली रेटिकुलिन फाइबर होते हैं बेटा जी यहाँ पे, और हम ये कहते हैं बेटा जी वो हाईली इंटरलिंक करके बेटा जी यहाँ पे एक नेटवर्क बनाकर रखते हैं, हमने कहा यहाँ पे एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो हमने उसका नाम रखा है यहाँ पे आर्कनोइड मेम्ब्रेन, यहाँ तक की बात सही है बेटा जी यहाँ पे, चलिएगा ये भी बेटा जी आपकी आप इसके बारे में लिख सकते हैं इट इज इट प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द मेनिंग, से तीनों के अंदर कहा है बेटा जी मिडल में प्रेजेंट होती है बेटा जी यहाँ, ठीक है, ये भी क्वाइट थिक होती है और हार्ड तो नहीं कहेंगे, मैं कहूंगा इट इज सॉफ्ट इन द नेचर, इसमें आप ये कह सकते हैं कोलेजन फाइबर नहीं होता, यहां पे रेटिकुलिन फाइबर होता है बेटा जी। अब आती है इनर मोस्ट बेटा जी, मैंने जो ये कलर से बनाई मैं कहूंगी ये क्या है बेटा जी यहाँ पे आपकी सबसे जो इनर मोस्ट होती है उसका नाम होता है बेटा जी पाया मैटर, तो पहला पॉइंट बेटा जी इट इज द इनर मोस्ट, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट हो गया बेटा जी इसके बारे में। अगला पॉइंट बेटा जी यहाँ पे इट इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट, भाई सोचो ब्रेन खुद बहुत सॉफ्ट है तो उसके बाहर के जो कवरिंग है वो भी कैसी बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होती है, तो मैंने कहा इट इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट, इट इज हाईली वास्कुलर,
ये कैसी बेटा जी, हाईली वस्कुलर है, इसके पास ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, हाईली वस्कुलर इन द नेचर, ये सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है बेटा जी यहाँ पे, ठीक है। अब एक वर्ड को समझिएगा जरा यहाँ डायग्राम के अंदर ही, मैंने तीनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस बनाया है, अब वो ऐसा नहीं है कि मैंने गलती से स्पेस बनाया, एक्चुअली हर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी प्रेजेंट होता है, वो स्पेस भी स्पेसिफिक कहलाता है, स्पेस को समझिएगा बेटा जी, यहां पे जो स्पेस बैठा हुआ है बेटा जी, इस स्पेस का नाम होता है सब ड्यूरल स्पेस, नाम से समझ आ रहा होगा यहां पे, ये ड्यूरा मैटर के नीचे है, तो मैंने कहा सब ड्यूरल, उसके नीचे नहीं कहते हो सब वे, जो भाई सड़क के नीचे से रास्ता जाता है उसे कहते हो सब वे है, तो वैसे मैंने कहा सब ड्यूरल मतलब ड्यूरल के नीचे है, तो मैंने कह दिया सब ड्यूरल स्पेस बेटा जी, ठीक है। वैसे मैं कहूंगा यहां भी बेटा जी स्पेस प्रेजेंट है, तो उसका नाम क्या लिखे बेटा जी, बोलो बोलो क्या लिखे उसका नाम, तो आप कहोगे सर उसका नाम हो जाएगा यहां पे सब आर्कनोइड स्पेस, कह सकते हो उसे बेटा सब आर्कनोइड स्पेस, क्योंकि वो आर्कनोइड मेम्ब्रेन के नीचे बैठा होता है। अब पॉइंट आता है सर क्या ये खाली है या यहाँ पे कोई चीज भरी हुई होती है, मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे लिक्विड फिल्ड होता है, मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे भरा होता है टिश्यू फ्लूइड, यहां भरा हुआ होता है बेटा जी टिश्यू फ्लूइड, बट अब एक स्पेसिफिक वर्ड को सुनना, यहां भी बेटा जी लिक्विड भरा हुआ होता है, और यहां पे जो लिक्विड होता है उसका नाम होता है CSF, फुल फॉर्म होती है बेटा जी यहां पे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये क्या है, आपने सुना होगा कई बार लोग ऐसे कहते हैं दिमाग से खाली है क्या, इसका दिमाग खोखला है क्या, तो अगली बार कोई आपसे कहे ना दिमाग से खाली है या दिमाग तेरा खोखला है क्या, तो घबराना मत, सबका दिमाग अंदर से खोखला होता है बेटा जी, हमारा होलो होता है ब्रेन, ब्रेन एक्चुअली सिर्फ बाहर के हिस्से में होता है, अंदर से ब्रेन खोखला होता है, अंदर से ब्रेन में केविटीज होती है, और जो ब्रेन में डिफरेंट टाइप की केविटीज होती है उनको हम बोलते हैं यहाँ पे वेंट्रिकल, जैसे हार्ट में जो खाली स्पेस थी नीचे वाले पार्ट में हमने उसका नाम रखा था वेंट्रिकल, वैसे ही ब्रेन के अंदर बेटा जी यहाँ पे केविटीज बनी हुई होती है, और उन केविटीज को हम बोलते हैं बेटा जी वेंट्रिकल, हमारा ब्रेन अंदर से होलो होता है, हमारा ब्रेन क्या है बेटा जी होलो स्ट्रक्चर, वो सॉलिड नहीं है, कैसे है बेटा जी होलो, अंदर से खोखला स्ट्रक्चर है बेटा जी यहाँ पे। अब पॉइंट आता है उसके अंदर जो अंदर स्पेस बनी हुई है उस स्पेस में क्या भरा है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में दोनों के बीच में केविटी होती है, और मैं कहूंगा उन केविटीज के अंदर बेटा जी एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जो जैसे हमारा लिम्फ होता है ना, ब्लड का फिल्ट्रेशन जब होता है तो लिम्फ बनता है, याद है लिम्फ पढ़ा था आप लोगों ने, द फिल्ट्रेट ऑफ द ब्लड, कि ब्लड जब फिल्टर आउट होता है तो क्या बनता है बच्चा लिम्फ बनता है, वैसे मैंने कहा हमारा ब्रेन की जो सप्लाई होती है ब्रेन में, हमारे ब्लड की जो सप्लाई होती है ब्रेन में, तो ब्लड कभी सीधा ब्रेन की सेल्स के पास नहीं जाता, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, वो फिल्ट्रेशन हमारे ब्रेन में एंट्री करता है, और जो ब्लड का फिल्ट्रेट बनता है उस फिल्ट्रेट का नाम होता है बेटा जी CSF, क्यों बोला ऐसा नाम, बिकॉज ये हमारे मेनली ब्रेन में होता है स्पाइनल कॉर्ड में होता है, तो हमने उसका नाम रखा बच्चा यहाँ पे सेरिब्रो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला बच्चा हमने यहाँ पे CSF, ये CSF ब्रेन में तो भरा ही है, स्पाइनल कॉर्ड में तो भरा ही हुआ है बेटा, बट साथ में कहां पे बेटा जी यहां पे इट इज प्रेजेंट विद इन द सब आर्कनोइड स्पेस, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है बेटा जी यहां पे आपका, कि नेम द फ्लूइड दैट इज फिल्ड विद इन द सब आर्कनोइड स्पेस, तो उसका नाम क्या है बेटा जी यहां पे CSF, या कोई आपसे कहे CSF इज प्रेजेंट इन, तो आपके ऑप्शन में हो सकता है ब्रेन में प्रेजेंट, आप कहोगे यस, क्या स्पाइनल कॉर्ड में, आप कहोगे यस, क्या बेटा जी वो आपका सब ड्यूरल स्पेस में है, आप कहोगे नो वहां नहीं है, यहाँ पे वहां पे तो एक टिश्यू फ्लूइड है बेटा, जो CSF नहीं है, बट सब आर्कनोइड मेम्ब्रेन के नीचे जो स्पेस है, सब आर्कनोइड स्पेस उसके अंदर जो लिक्विड भरा इट इज इक्वलेंट टू द CSF, तो हम कहते हैं यहाँ पे भी CSF भरा हुआ है। मैंने एक्चुअली आपको प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन समझाया, मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ाई है, इतना जो किया है उसको हम समराइज करते छोटे से टॉपिक में, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, आपका ब्रेन एक बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन है बेटा जी, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, एक प्रोसेसिंग यूनिट है बेटा जी हमारी बॉडी की, अब अगर वो सॉफ्ट और डेलिकेट है तो प्रोटेक्टेड कैसे है, तो मैंने कहा सबसे बाहर उसके बोनी स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम होता है क्रेनियल बोन्स, तो उन्होंने एक बॉक्स बना रखा, तो मैंने कह दिया
ब्रेन इज प्रेजेंट विद इन द क्रेनियम बॉक्स इन द क्रेनियल कैविटी। ठीक है, अब आपने कहा सर क्या बोन के सीधा टच में है, तो मैंने कहा नहीं बेटा जी, देयर इज ए थ्री डिफरेंट सराउंडिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन। तीन मेम्ब्रेन है बेटा जिनको हम बोलते हैं मेनिंग्स, उनमें इन्फेक्शन हो जाए तो बोलते हैं मेनिंजाइटिस। अब वो क्या क्या है, तो मैंने कहा तीन होती है, ड्यूरामेटर, आर्कनोइड मेम्ब्रेन एंड पायामेटर। तो आउटमोस्ट कौन है बच्चा, यहाँ पे ड्यूरामेटर है, इनरमोस्ट कौन है पायामेटर, बीच में कौन आती है आर्कनोइड। ये कैसी है, वेब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा जी, ये यहाँ पे हार्ड है और ये यहाँ पे सॉफ्ट एंड डेलिकेट है बेटा जी, ये हाईली वास्कुलर है और इनरमोस्ट लेयर जो है वो पायामेटर। इन तीनों मेम्ब्रेन्स के बीच में बेटा जी स्पेस होती है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ड्यूरा के नीचे है तो नाम हो गया सब ड्यूरल स्पेस, आर्कनोइड के नीचे है तो नाम हो गया यहाँ पे सब आर्कनोइड स्पेस। आपने कहा उस स्पेस में क्या है, मैं कहूंगा लिक्विड भरा हुआ है, तो सब ड्यूरल स्पेस में जो है बेटा वो टिश्यू फ्लूइड है और इसके नीचे जो है बच्चा वो क्या है यहाँ पे आपका सीएसएफ है। सीएसएफ क्या है, इट इज द फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड, इट इज द फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड That circulate within the brain and spinal cord. जो brain और spinal cord में क्या होगा बच्चा, circulate होता है, वो जो fluid है, जो filtrate of the blood है बेटा जी, वो क्या लगेगा यहाँ पे CSF। Getting my point? यहाँ तक मैंने आपको बेटा जी brain का structure समझाने की कोशिश की है कि brain का कैसे protection होता है। अभी तक हम brain को तो शुरू ही नहीं किया बेटा जी, अभी तो हम brain के बाहर की चीजों को समझेंगे आपको। तो ये छोटे छोटे वर्ड समझ में आ गए आपके लिए, क्या होती मैनिंग्स क्या होती है, ये स्पेस वगैरह क्या वर्ड सब समझ में आ गया बेटा जी यहाँ पे। चलिएगा अगला टॉपिक क्या पढ़ते हैं, ब्रेन को शुरू करने से पहले एक और टॉपिक आपको पढ़ाते हैं, वो टॉपिक क्या पढ़ाते हैं बेटा जी यहाँ पे आपको सीएसएफ, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं ताकि आगे हमें दिक्कत ना आए इसके बारे में। फुल फॉर्म क्या है बेटा यहाँ पे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। पहला पॉइंट क्या है ये, तो मैं कहूंगा इट इज द फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड, ये फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड है। अब पॉइंट आता है बनता कहां है, तो मैं कहूंगा बेटा जी इट प्रोड्यूस इट फॉर्म इन कोरॉइड फैलिक्स, रीजन ऑफ ब्रेन। अब पॉइंट आते हैं कोरॉइड फैलिक्स क्या होता है, तो अभी थोड़े दिनों पहले बेटा जी आपके टिश्यू का टेस्ट हुआ था, तो आप लोगों ने 9th क्लास में नर्वस टिश्यू पढ़ा होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार 9th क्लास के टिश्यू को एक बार देखना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा जरा सुनना बात। आप ये कहते हो मैं नर्वस टिश्यू में चार प्रकार के सेल होते हैं बेटा जी, आप एक सेल का मैं नाम लिखा था बेटा जी न्यूरोन, न्यूरोग्लियल, माइक्रोग्लियल, और वहां पे एक नाम पढ़ा होगा आपने एपेंडाइमल सेल। ये वर्ड याद है बेटा जी, आप लोगों ने एक सेल पढ़ी होगी एपेंडाइमल सेल, हमारे नर्वस टिश्यू में एक सेल होता है उसका नाम होता है एपेंडाइमल सेल। ये इट इज लाइक द एपिथेलियल ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये क्या है बेटा जी यहां पे लाइक द एपिथेलियल ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो मैं कहूंगा बेटा जी कोरॉइड फ्लेक्स क्या है, इट इज ए क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म बिटवीन द एपेंडाइमल सेल एंड द ब्लड कैपिलरीज। मतलब सोचो ब्लड को अगर फिल्टर करना है तो मैं कहूंगा ब्लड की कैपिलरीज हैं और ऐसे एपेंडाइमल सेल है, उन लोगों ने ऐसा एक कनेक्शन सा बना रखा है, ऐसा बेटा जी एक स्ट्रक्चर बना रखा है, तो मैं कहूंगा जहां पे ब्लड की कैपिलरीज और एपेंडाइमल सेल का जहां कनेक्शन होता है वो कनेक्शन वाला स्ट्रक्चर जो है बेटा जी उसको हम क्या बोलते हैं कोरॉइड फ्लेक्स, और वहां पे बेटा जी फिल्ट्रेशन होता है किसका बेटा जी आपके ब्लड का, वहां क्या बनता है आपका सीएसएफ बनता है। तो मैं लिख देता हूं बेटा जी हमें It is the connection of ependymal and ependymal cell of nervous system and blood capillaries.
जहां पे हमारा ब्लड फिल्टर होता है और फिल्टर होकर जो फिल्ट्रेट बनता है वो क्या है बेटा, सीएसएफ। आपको यहां से पूछे सर हमारे ब्रेन में कितने करोड़ फ्लेक्स होते हैं, मैं कहूंगा बेटा से 2 करोड़ फ्लेक्स होते हैं, एक होता है फोरब्रेन में और एक होता है आपके हिंड ब्रेन में। तो वो जब जब वर्ड आएंगे मैं उनकी बातें करूंगा यहां पे, बट इस वर्ड को समझना ये क्या है बेटा जी, ये एक कनेक्शन है, ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है किनके बीच बेटा जी, यहां पे एपेंडाइमल सेल और किसके बीच बेटा, ब्लड कैपिलरीज के बीच बनता है। ठीक है, पॉइंट आता है सर ये हो गया सीएसएफ प्रेजेंट क्या बेटा, तो मैं कहूंगा बेटा जी इट इज प्रेजेंट विद इन वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कनाल ऑफ स्पाइनल कोड एंड तो पूरा पूरा का पूरा जो बेटा ब्लड फिल्टर हुआ और ब्लड के फिल्टर होके लिक्विड बना जो कि हमारे ब्रेन में स्पाइनल कोड में सर्कुलेट करने लग रहा है बेटा जी। ठीक बात है, चलिएगा अब पॉइंट आता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द सीएसएफ, सीएसएफ है क्या। तो सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे पूरे ब्रेन को मॉइस्ट रखने का जो काम करता है वो कौन करता है, यहाँ पे सीएसएफ करता है। तो मैं कहूंगा बेटा जी the brain and spinal cord moist। अगर वहां पे कोई शोक आता है, कोई झटका आता है, किसी ने आपके सर पे मारी, तो जो शोक के एब्जॉर्बर का काम करता है वो भी कौन करता है बेटा जी, हमें सीएसएफ। तो मैं कहूंगा बेटा जी एक्ट एज shock absorbing fluid or agent, इस shock absorbing agent का काम करता है, जो भी brain पर अगर shock लगेगा तो उसको क्या करेगा, ये absorb करने का काम करेगा। जो भी different type के waste बनने लग रहा है brain में उस waste को वहां से release करेगा, जो भी brain के cells को nutrients चाहिए वो भी वो किसके through लेंगे बेटा जी, पर CSF के through लेंगे। तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे provide न्यूट्रिएंट टू ब्रेन एंड स्पाइनल कोर सेल्स हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी वेस्ट। अगला पॉइंट आता है बेटा जी, आप आगे जाके पढ़ोगे एंडोक्राइन सिस्टम, जहां पे हॉर्मोन्स का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, तो वहां पे एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी जो बेटा जी एक्चुअली यहां पे लेके जा सके, किसको बेटा जी, यहां पे हॉर्मोन्स को। तो मैं कहूंगा बेटा जी एक्ट एज मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ hormones and the last एक और आप इसके जानने के बेटा जी it provide buoyancy to the brain। ये बड़ा important topic है बेटा जी, important point है इसका। ही हमारे brain का जो weight होता है वो करीबन होता है बेटा जी 0.18 kg, मैं इसको ऐसा कह सकता हूं
कि हमारे ब्रेन को 1.4 केजी से वो 0.18 केजी तक रिड्यूस कर देता है। ये वर्ड कैसे समझो कि फिजिक्स का वर्ड है बेटा, जब अपनी सर से ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो इस बातों को, कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा हम कोई लकड़ी हो तो उसको पानी फेंकते तो पानी उसे उछाल देने का काम करता है और उसके वेट को रिड्यूस करने का काम करता है, ऐसा कुछ कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो वैसे कुछ यहाँ पे लगता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो लिक्विड है बेटा जी, ये उसको लाइट इन द वेट करता है, उसके वेट को घटाने का काम करता है, वेट को डिक्रीज करने का काम करता है। फिजिक्स वाला कंसेप्ट लगेगा वो आप अपने फिजिक्स वाले टीचर से डिस्कस करना, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे यहाँ पे। तो ये उस वेट को क्या करता है बेटा जी, यहाँ पे रिड्यूस करने का काम करता है। कितना से कितना बेटा जी, यहाँ पे 1.4 केजी से उसे 0.18 केजी तक उसे क्या करता है बेटा जी, कन्वर्ट करने का काम करता है, ताकि यहाँ पे हमारे बोन्स को ऊपर ज्यादा जोर ना पड़े यहाँ पे, और इसका वेट को क्या करता है फिर रिड्यूस करने का काम करता है बेटा जी। तो ये दीज आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सीएसएफ, ये फंक्शन है बेटा जी किसके यहाँ पे, सीएसएफ के। ठीक बात है, आगे चलिएगा। अब आप लोगों को मैं बता चुका हूं हमारा ब्रेन जो होता है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं बेटा जी, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब ऐसा नहीं होता कि फोरम के ऐसे आगे पीछे वाले हिस्से हैं, आप इस तरह पढ़ के देखिएगा उसको, जैसे अपना वो होता है ना गोभी खाते हो आप लोग, फूल गोभी जो होती है उसके ऊपर वाला पूरा हिस्सा होता है, फिर उसके नीचे से डंडा से निकला होता है, वैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। जरा अगर हम वर्ड को समझ के देखें, अगर रफली डायग्राम बनाए तो हम ये कहते हैं ऐसे हमारा ब्रेन है, देखो क्या कुछ बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको क्या समझा रहा हूं यहां पे। हमारा ब्रेन के जो अपर वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ये होता है बेटा जी फोर ब्रेन। ऊपर वाला जो पार्ट है ये हमारा फोर ब्रेन, मैं इस पर अगर लेवल करो बेटा जी, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा यहाँ पे फोर ब्रेन, ठीक है बेटा जी। आप कहते हैं ये जो सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है इसका नाम होता है सेरिब्रम, क्या नाम होता है इसका बेटा जी, यहाँ पे सेरिब्रम। इसके नीचे हमारा आता है इसी पार्ट का अगला पार्ट, उसका नाम होता है डाइइंसेफलोन। ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, सिर्फ एक बार मैं आपको हल्का सा एक आउटफ्लो दे रहा हूँ, फिर उसके मैं स्पेशल अलग अलग डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको यहाँ पे, बट सिर्फ एक आउटफ्लो को समझो कि एक्चुअली हम कैसे लेबलिंग करते हैं ब्रेन की। मैं कहती हूँ ऊपर वाला जो ब्रेन होता है उसका नाम होता है फोर ब्रेन, उसका कंपोनेंट ये सबसे बड़ा वाला होता है उसका नाम होता है बेटा सेरिब्रम। उसके फिर एक छोटा सा कैविटी आएगा उसका नाम होगा बेटा डाइइंसेफलोन, क्या नाम होगा उसका डाइइंसेफलोन। और फिर आपका हमारा आता है बेटा जी यहाँ पे मिड ब्रेन, फिर क्या आता है हमारा मिड ब्रेन, और ये जो लास्ट में आता है उसका नाम होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के फिर तीन पार्ट बनते हैं, ये जो रह जाता है उसका नाम है पोन्स वेरुलाई, यहाँ पे जो सेर में रह जाता है उसका नाम होता है सेरिबेलम, और जो नीचे आ जाता है उसका नाम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और फिर निकल जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है यहाँ पे, तो इसी स्ट्रक्चर का हम एक बार यहाँ पे इतना वे में समझेंगे कि अंदर से कैसा होता है, हम उसके कुछ पार्ट्स को समझते हैं, बट बस बात को फिलहाल इस डायग्राम से इतना समझिएगा हमारे ब्रेन के तीन पार्ट है, ऊपर फिर एक बीच में और फिर एक नीचे। अब वो कैसे कैसे हैं मैं हर एक के नाम भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, जरा समझना उसको, पर ये डायग्राम हम इससे नहीं इससे समझेंगे पहले से। देखिएगा बेटा जी मैं क्या समझा रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि हमारा ब्रेन जो होता है वो अंदर से खाली होता है, अंदर से खोखला होता है, अंदर केविटीज होती है, और टोटल कितनी केविटी है बेटा यहाँ पे, चार केविटी है। हमारा ब्रेन उन केविटी की पेरिफेरी पे होता है, उन केविटीज के सराउंडिंग पे हमारा होता है ब्रेन। जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है बेटा जी सेरिब्रम,
क्या नाम होता है बच्चा उसका? सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट कोई पार्ट है तो उसका नाम क्या है बेटा? जहां पे सेरिब्रम। तो मैंने क्या बेटा जी यहाँ पे मैं कलर का यूज किया, मैंने यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर से मैंने दिखाया बेटा जी, ये है आपका यहाँ पे सेरिब्रम। ये क्या बेटा है? सेरिब्रम। और जो हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम, उसके अंदर होती है दो केविटी बेटा जी। कितने केविटी? उनमें दो केविटी है। तो मैं कह दूंगा बेटा जी ये है फर्स्ट वेंट्रिकल, तो ये है बेटा जी यहाँ पे सेंट्रल वेंट्रिकल। और इसके अंदर क्या भरा है बेटा जी यहाँ पे? आप कहोगे सर यहाँ पे भरा हुआ है सीएसएफ, और यहाँ भी क्या भरा है? सीएसएफ। अब ये दोनों केविटी जो होती है आपस में यूनाइटेड होती, दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है। जो आप ही कहते सर ये एक हमारा सेरिब्रम, हम आगे जाके पढ़ेंगे इसके पार्ट को, यहाँ पे नाम आएगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दो हमारे यहाँ पे हेमिस्फीयर आएंगे, दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं बेटा जी यहाँ पे। तो इन दोनों केविटी को जोड़ने के लिए यहाँ बीच में जो बेटा जी जंक्शन होता है, इस जंक्शन का नाम होता है फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो। तो आप ये कह सकते हैं बेटा जी ये क्या करता है? इट कनेक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल प्रेजेंटिंग फोर ब्रेन सेरिब्रल, फोर ब्रेन सेरिब्रल पार्ट। ठीक बात है बेटा जी। तो आपने कहते सर ये जो दो वेंट्रिकल होते हैं इनका नाम क्या होता है? तो मैं कहूंगी दोनों लेटरल टू ईच अदर होते हैं, तो इनका नाम रखते हैं बेटा जी यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल, क्योंकि दोनों हमारे हेमिस्फीयर का नाम है यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। चलो कंफ्यूज मत हो, दोबारा वर्ड को देखो बेटा जी। हमने कहा हमारा ब्रेन जो होता है उस ब्रेन के तीन पार्ट है, ये सब टेबल मैंने सबसे पहले लेक्चर में बनाई थी बेटा जी। यहाँ पे एक पार्ट का नाम होता है बेटा जी फोर ब्रेन, और उसका सबसे बड़ा पार्ट जो होता है बेटा जी उसका नाम होता है सेरिब्रम। हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होता है उसका नाम क्या है बच्चा यहाँ पे? सेरिब्रम। सेरिब्रम के भी दो पार्ट होते हैं बेटा जी यहाँ पे, एक का नाम होता है लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर, एक का नाम होता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो मैंने कहा एक वेंट्रिकल यहाँ होता है, एक वेंट्रिकल यहाँ होता है, दोनों वेंट्रिकल आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है जो मैंने कहूंगा उसका नाम होता है फोरामेन ऑफ मोनरो। तो मैंने कहा ये दोनों सेरिब्रम में होते हैं लेटरल टू ईच अदर, दोनों सेरिब्रम में होते हैं लेटरल टू ईच अदर। तो हमने कहा उनका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल। उनका नाम क्या है बच्चा यहाँ पे? लेटरल वेंट्रिकल, या हम उसको बोलते हैं यहाँ पे पैरासी। या उसे क्या बोलते हैं? पैरा सी। ये क्या है बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल दैट इज प्रेजेंट विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट ऑफ द सेरिब्रम ऑफ द फोर ब्रेन। ठीक बात है, अगले वर्ड पे ही बेटा। अब जैसे सेरिब्रम के नीचे आते हो तो आप ये कहते हो सर फोर ब्रेन का दूसरा जो पार्ट आता है उसका नाम होता है बेटा जी यहां पे डाइइंसेफेलोन। फोर ब्रेन का दूसरा जो पार्ट होता है उसका नाम होता है डाइइंसेफेलोन। तो मैंने कहा ये जो थर्ड वेंट्रिकल है बेटा जी ये प्रेजेंट है यहां पे, तो मैंने यहां रेड कलर से आपको दिखाया है, तो उसका नाम होता है बेटा जी यहां पे डाइइंसेफेलोन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा भाई, मैंने ये स्पेस दिखाई है ये तो है वेंट्रिकल, और ये मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है ये है बेटा जी यहां पे सेरिब्रम। ये आप कह सकते हो, मैं और अच्छा नाम कर देता हूं यहां पे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं कह देता हूं बेटा जी इट इज नोन एज लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो इसको क्या बोल दोगे? राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, फुल फॉर्म में लिख लेना यहाँ पे राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये इनके बीच में है। सेरिब्रम के बाद अगला जो पार्ट आता है उसका नाम क्या है बेटा? डाइइंसेफेलोन। तो मैंने उसको दिखाया बेटा यहाँ पे रेड कलर से, देखिए रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ ये है बेटा डाइइंसेफेलोन। मैं बार बार आपको बात बोल रहा हूँ, हमारे ब्रेन के अंदर केविटी है और हमारा
केविटी के बाहर प्रेजेंट होता है सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो मैं वही समझा रहा हूँ, ये केविटी है जो बेटा जी आपके डाइंसेफलोन के अंदर है। यहाँ पे डाइंसेफलोन तो बाहर बैठा हूँ, जो मैं उसे रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ बेटा जी, ठीक है। तो मैंने कहा इसके अंदर जो वेंट्रिकल होता है वो होता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, और उसका नाम हमने रखा बेटा जी यहाँ पे डायोसील। उसका नाम क्या बेटा यहाँ पे डायोसील हो गया। तो हमारा बेटा जी यहाँ पे फोर ब्रेन पूरा हो गया। देखो बेटा जी सेरिब्रम और हमारा डाइंसेफलोन आ गया, हमारा फोर ब्रेन पूरा हो गया। अब हमारा आता है बेटा जी मिड ब्रेन। अब हमारा क्या आता है बेटा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन प्रेजेंट कहां पे, तो हमने उसके बारे में समझते हैं। तो हमने कहा बेटा जी ये यहां पे डक्ट आता है जो थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है फोर वेंट्रिकल से। क्या बेटा जी यहां पे थर्ड वेंट्रिकल को जो कनेक्ट करता है फोर वेंट्रिकल से, उसका नाम होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो मैं इसके बारे में अगर लिखूं तो मैं क्या कहूंगी, क्या है बेटा जी यहां पे इट कनेक्ट थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है बेटा जी किससे, यहां पे फोर्थ वेंट्रिकल से, ठीक है। तो आपने कहा सर ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है इसी की पेरिफेरी में, जो मैं ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा हूं बेटा जी, यहां पे प्रेजेंट होता है हमारा मिड ब्रेन। तो कुछ मिड ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन द सराउंडिंग ऑफ, तो किसके सराउंडिंग में बेटा जी यहां पे सेरिब्रल एक्विडक्ट की सराउंडिंग में क्या होता है बेटा जी हमारा यहां पे मिड ब्रेन होता है। इन दोनों का आपस में जो कनेक्ट करते हैं वो कौन है यहां पे फोरामेन ऑफ मोंडो। और आपसे कहा जाए कि लेटरल वेंट्रिकल को थर्ड वेंट्रिकल से अगर कोई उसे फोर्थ वेंट्रिकल से अगर कोई कनेक्ट करता है तो वो कौन है बेटा जी यहां पे आपका सेरिब्रल ऑफ एक्विडक्ट, ठीक है। अब आता है बेटा जी यहां पे ये फोर्थ वेंट्रिकल। ये फोर्थ वेंट्रिकल की पेरिफेरी में जो रेड कलर से दिखाया है बेटा जी ये होता है पोन्स वेरोलाई। ये है क्या बेटा पोन्स वेरोलाई। और ये नीचे जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है बेटा जी ये क्या है यहां पे आपका मेडुला ऑफ लोंगेटा। और ये नीचे आ गया बेटा जी आपका यहां पे जो मैंने रेड कलर से दिखाया ये आ गया बेटा जी आपका स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बीच में जो कनाल है बेटा जी वो क्या आ गया यहां पे सेंट्रल कनाल। अब आप कहोगे सर सेरिबेलम कहां गया, मैं कहूंगा देखिए साइड में जो है वो क्या है यहां पे आपका सेरिबेलम है। तो मैं कहूंगा ये है बेटा जी यहां पे सेरिबेलम। अब मैं जरा कुछ बात समझूं, बातों को समझना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस डायग्राम को कनेक्ट करते हैं। मैंने कहा बेटा जी हमारा ब्रेन जो होता है उसका पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बेटा जी तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है बेटा जी यहां पे सेरिब्रम। उसके फिर दो कंपोनेंट होते हैं लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। यहां पे भी वेंट्रिकल प्रेजेंट है और यहां भी। तो मैं कहूंगा यहां पे सेरिब्रम में बेटा जी आपके यहां पे दो वेंट्रिकल, और हम उन वेंट्रिकल का नाम क्या रखते हैं बेटा जी यहां पे लेटरल वेंट्रिकल। तो चलिएगा देखो जरा वर्ड को, ये हमारा सेरिब्रम है इसके अंदर दो वेंट्रिकल फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट में राइट में, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं बेटा जी यहां पे लेटरल वेंट्रिकल नाम का यहां पे पैरासी, ठीक वर्ड। फिर आपने कहा सर अगला पार्ट आता है उसका नाम है डाइइन्सेफलोन। यहां बेटा बैठा होता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, ठीक बात है। अब आपने कहा सर अगला हमारा पार्ट आता है मिड ब्रेन। ये कहां है तो मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे आपका यहां पे दो वेंट्रिकल है और एक वेंट्रिकल यहां है, टोटल तीन वेंट्रिकल हो गए। हमारा जो चौथा वेंट्रिकल होता है बेटा जी वो हमारा होता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है बेटा जी यहां पे फोर्थ वेंट्रिकल। और कैसे होता है हमें कहते हैं देखिए डायग्राम को, फोर्थ वेंट्रिकल के पेरिफेरी में, फोर्थ वेंट्रिकल के पेरिफेरी में, फोर्थ वेंट्रिकल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है पोन्स वेरोलाई। तो मैंने कहा बेटा जी इसका पार्ट हो गया बेटा जी यहां पे पोन्स वेरोलाई। ये कहां बैठा है ऑन द पेरिफेरी ऑन द सराउंडिंग ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे की साइड बैठा है बेटा जी आपका यहां पे
मेडुला ऑफ लॉन्गेटा। देखो मेरे भाई यहां पे ये पोन्स बेरुलाई है तो इसके नीचे बैठा होता है ग्रीन कलर वाले बेटा जी कौन यहां पे मेडुला ऑफ लॉन्गेटा। ये दोनों किसके पार्ट है बेटा जी यहां पे आपके हिंड ब्रेन के पार्ट। तो आपने कहा थर्ड वेंटिकल को फोर्थ वेंटिकल से कनेक्ट करने का काम कौन करता है यहां पे सेरिब्रल एक्विडक्ट। देखिएगा थर्ड वेंटिकल को फोर्थ से कनेक्ट करने का काम करता है सेरिब्रल एक्विडक्ट और वहां पे बैठा होता है मिड ब्रेन। तो मैं कहूंगा मिड ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन द सराउंडिंग ऑफ द सेरिब्रल एक्विडक्ट प्रेजेंट ऑन द सराउंडिंग ऑफ द सेरिब्रल एक्विडक्ट। वह यहां तक का ये सब बात हो रहा है यहां पे। अब एक छोटे से पॉइंट को समझना सेरिब्रम सेरिबेलम ये वाले पार्ट के अंदर मैंने ऐसे स्टार ये डॉट डॉट बना रखे कि भाई इसके अंदर वेंट्रिकल नहीं होते हैं। तो मैं कहूंगा बेटा जी हिंड ब्रेन का एक पार्ट बच गया उसका नाम क्या है बेटा जी यहां पे सेरिबेलम इज ओनली सॉलिड पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या मैंने सेरिबेलम के अंदर कोई केविटी बनाई है बेटा? क्या मैंने सेरिबेलम के अंदर कोई केविटी बनाई है हाँ कि ना? क्या मैंने सेरिबेलम में कोई केविटी बनाई? नहीं बनाई। तो मैं कहूंगा इसका उसके अंदर कोई केविटी नहीं है वो खोखला नहीं है वो अंदर से कैसा है बेटा जी सॉलिड होता है। तो मैं कहूंगा बेटा जी आपका यहाँ पे हिंड ब्रेन का एक पार्ट उसका नाम होता है सेरिबेलम ये बेटा जी कैसा पार्ट आपका यहाँ पे सॉलिड पार्ट। वैसे ही फोर ब्रेन में एक मैंने नाम और आपको लिखा है बेटा जी यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब। बेटा सबसे पहले लेक्चर में लिखी है ये सब बातें सबसे फर्स्ट लेक्चर जो आपका आया था उसके अंदर सबसे ये बातें थी बेटा जी। तो मैंने कहा ये भी क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे सॉलिड है इसके अंदर भी कोई केविटी नहीं है मेरे भाई। यानी कि मेरा इस टॉपिक को समझाने का एक पॉइंट था कि हमारा ब्रेन जो होता है वो अंदर से खोखला होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो भी अंदर से खोखला होता है उनके अंदर केविटीज होती है। ब्रेन में जो केविटी होती है उसका नाम होता है वेंट्रिकल और जो स्पाइनल कॉर्ड में केविटी होती है उसका नाम होता है सेंट्रल कॉलम और उन केविटीज के पेरिफेरी पे हमारे डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट है। जो पैरासील केविटी है उसकी पेरिफेरी पे होता है बेटा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो डायोसील जो कि थर्ड वेंट्रिकल है उसकी पेरिफेरी पे होता है बेटा डाइइन्सेफलोन। फिर थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ से जो कनेक्ट करता है उसका नाम होता है सेरिब्रल एक्विडक्ट वहां प्रेजेंट होता है हमारा मिड ब्रेन। फिर जो फोर्थ वेंट्रिकल होता है उसकी पेरिफेरी पे होता है बेटा पोन्स वेरोलाई और उसके जस्ट नीचे वाले रीजन में होता है बेटा मेडुला ऑफ लॉन्गेटा। हमारे ब्रेन के दो ऐसे पार्ट हैं जहां पे कोई वेंट्रिकल नहीं होता है वो दो पार्ट कौन से बेटा जी यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब एंड सेरिबेलम आर द टू पार्ट दैट आर नेवर कनेक्ट विद ए केविटी। वो किसी केविटी से कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो दीज टू पार्ट आर सॉलिड इन नेचर। ये दोनों पार्ट कैसे हैं बच्चा यहाँ पे सॉलिड होते हैं बाकी डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कैसे होते हैं बेटा जी यहाँ पे होलो होते हैं बेटा जी। दे हैव द केविटी एंड दे आर फिल्ड विद द सीएसएफ। आई होप आपको कुछ बात समझ में आई होगी। अब कोई आपसे पूछे विच पार्ट ऑफ ब्रेन कनेक्ट ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है कौन सा पार्ट ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है इस डायग्राम में आंसर है। ये वीडियो देख के मुझे आंसर कीजिएगा मैं आपके सबके आंसर का वेट करूंगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड और आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे इस आंसर को कि कौन सा पार्ट और मैं सबके मैसेज का वेट करूंगा बेटा जी। ठीक है चलेगा थैंक यू। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया बट बोर नहीं होना आप लोगों को देखना इसे यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझसे पूछेगा बेटा जी क्योंकि अब हमारे पास लिमिटेड टाइम बचा और हमें बेटा जी लेक्चर ज्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने को बेटा जी। ठीक है चलेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।